तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी सेटिंग जिसको अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अगर कर लेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर सकता है, ना ही आपका अकाउंट कोई भी कहीं पर से भी लॉग इन कर सकता है। मतलब आपका अकाउंट जो है 100% सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता है। सो गाइस, वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो आप तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आइए चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। सो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और ना आप कोई भी प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे। सो ये हम लोग जान लेते हैं कि उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उस सेटिंग को ऑन करने के लिए आप लोग को अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर चले आना है। उसके बाद इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर आने के बाद आप लोग को अपने प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। जब आप लोग अपने प्रोफाइल को ओपन कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं राइट कॉर्नर में 3 लाइन्स यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगी। आप लोग को बस इसी लाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को बस सेटिंग पे चले आना है। नॉर्मली जब आप लोग गए सेटिंग पे चले जाएंगे तो यहाँ से आप लोग को सिक्योरिटी पे चले आना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा। आप लोग को बस इसी पे क्लिक कर देना है और आप लोग को यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। सो गेट स्टार्टेड पे करने के बाद आप लोग के फोन स्क्रीन में कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को इसमें सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग किस वे में आप लोग को यूज़ करना है। जैसे कि इसमें ऑथेंटिकेशन ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, व्हाट्सअप का मिल जाता है, टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है। सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इससे होता क्या है। अगर हम लोग इसमें 2-फैक्टर को ऑन कर लेंगे तो इससे ये होता है गाइस कि अगर जैसे हम लोग ने इसको अपने अकाउंट में ऑन कर लिया है तो कोई भी अगर हमारे पासवर्ड को भी जान जाता है और अगर हमारे अकाउंट को लॉग इन करने के लिए कोशिश करता है तो हमारे जो नंबर से हमारा अकाउंट बना हुआ है उस नंबर पर हमारे कोड आता है। तो वो कोड हम लोग जब तक उसको नहीं बताएंगे तब तक वो हमारे अकाउंट को लॉग इन नहीं कर सकता है, चाहे उसको पासवर्ड ही क्यों ना पता हो। जब तक हम अपने कोड को जो हमारे फोन नंबर पर कोड आएगा उसको हम उसको बताएंगे नहीं तब तक हमारे अकाउंट को लॉग इन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ चाहे तो व्हाट्सएप पर भी टिक कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे भी कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो कोड है वो व्हाट्सएप पे आए तो व्हाट्सएप पे आप लोग क्लिक कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कोड है बस आपके फोन नंबर पे डायरेक्ट मैसेज आए तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। ज्यादा से टेक्स्ट मैसेज वाला रहता है तो इसलिए टेक्स्ट मैसेज कर लीजिए। मैसेज पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग के फोन स्क्रीन में कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बस अपने कोड को डाल देना है, जो कोड आपके फोन नंबर पे आया रहेगा उस कोड को आप लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या तो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो आप लोग जब गाइस उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद तो हमारा जो 2-फैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी हमारे अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो पहले हमारे पास कोड आ जाएगा। अगर हम लोग उसको कोड शेयर करेंगे तभी हमारे अकाउंट को लॉगिन कर पाएगा, वरना हमारे अकाउंट को कभी भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसके बाद जान लेते हैं क्या करना है। उसके बाद यहां पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है गेट योर लॉगिन कोड थ्रू व्हाट्सएप। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने कोड को व्हाट्सएप से भी लेना तो आप व्हाट्सएप से भी क्लिक कर सकते हैं, तो नहीं चाहते हैं तो बस आप लोग यहां पे सिंपली डन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पे आप लोग को रिकवरी कोड्स आपका कुछ बता देगा, ये सब आपके रिकवरी कोड्स हैं। अगर आप लोग का कोड आने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप ये सब कोड भी डाल के अपने बैकअप वगैरह कर सकते हैं, मतलब आप दोबारा अकाउंट की रिकवरी कर सकते हैं सब चीज़ के लिए। तो आप लोग इसको भी आप लोग यहाँ से एक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग का ये फ्यूचर में सेफ रहे। ऐसे करके आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को 100% सिक्योर कर सकते हैं और अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। सो गाइस, होप ये वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस, आप लोग से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।